minutes. होने वाला है कुछ तूफान, क्योंकि पकड़म पकड़ाई लेकर आया है एक नई कहानी। अच्छा है, रोज जॉगिंग करने से शरीर चुस्त और दिमाग तंदुरुस्त रहता है। ओह नो, ये घर है या कूड़ादान? ये जरूर उन बदमाश चूहों का ही काम होगा। जो भी हो, इसकी सफाई तो मुझे ही करनी होगी। वैसे भी मुझे सफाई के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। पहले मैं घर की सफाई करता हूँ, बाद में उन चूहों की। वैसे इस कचरे को तो मैं झाड़ू से साफ कर दूंगा, लेकिन चूहों के दिमाग में जो कचरा है उसे कैसे साफ करूँ? वहाँ तक तो ये झाड़ू नहीं पहुँच सकता ना। पसीने ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। यह सफाई की बदबू कहाँ से आ रही है रे बाबा? भाई, डॉगी डॉन पर सफाई का बुखार चढ़ा है। ए बाजू, थोड़ा जूस पी ले, क्योंकि आज तुझे बहुत काम करना है। थोड़ा क्यों, मैं तो पूरा पी लूंगा। अरे मोटो, जूस पी लिया लेकिन ब्रेड और जैम को क्यों छोड़ दिया? मैंने अभी अभी घर को साफ किया था, फिर से इसे गंदा क्यों कर रहे हो? चूहो, घर की सफाई बात है, पहले तुम्हारा सफाया करता हूँ। पहले खुद को तो संभाल ले। डॉगी डॉन, सुबह से कचरा कचरा क्यों लगा रखा है? अगर कचरा इतना ही पसंद है तो जा, तो उसी के साथ जी ले। डॉगी डॉन चला था घर साफ करने, चूहो ने इसका ही सफाया कर दिया। अरे मैं तो घर का कचरा साफ कर रहा था, चूहो ने मुझे ही कचरे में फेंक दिया। अब मैं उन चूहों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। अरे वाह, बचपन में मैं सांप सीढ़ी खेलता था, लेकिन यहाँ सांप तो नहीं, ये सीढ़ी मुझे यहाँ से बचने में काम आएगी। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? डॉगी डॉन, तूने सुना नहीं? मुसीबत जब भी आती है चारों तरफ से आती है, बचना है तो जल्दी भाग ले, तेरे लिए अच्छा होगा। कर भला तो हो भला, बचने के लिए कम से कम एक बाइक तो मिली। अरे स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, लगता है मेरे बैटरी की खराब है। अरे चल मेरी धन्नो, स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, डॉगी डॉन की जिंदगी का सवाल है। चलो आखिर हो ही गई, अब इस डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इंस्टॉलमेंट भरा नहीं क्या? किस्तों में क्यों टूट रही है? मुझे तो लगा था कि सिर्फ धरती पर ही रास्ते खराब है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है। अरे डॉगी डॉन, यहाँ टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही गर्म है, इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग और गर्म हो जाए जल्दी लौट जाओ, अच्छा होगा।
पंछी बनकर उड़ रहा था, मीटियोर बनकर लौट आया। पता नहीं धरती पर ये क्या गुल खिलाएगा। अरे ये क्या, मैं जितना मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही अंदर फंसता जा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लो, आसमान से गिरा और धरती के बीचों बीच आके अटक गया। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? ये तो दादा परदादा के जमाने का पुराने खंडहर जैसा लग रहा है। ये पुराने लोग भी ना बड़े अजीब थे, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई और जमीन के नीचे रख दी। भला इन्हें यहाँ आके कौन देखेगा? खैर दूसरों की छोड़ो, मैं तो यहाँ आ गया हूँ ना, थोड़ा घूम फिर के देखता हूँ क्या लिखा है, क्या लिखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, मेरा ये ट्रांसलेटर किस दिन काम आएगा? आखिर इसमें लिखा क्या है? ये है बिल्ली मैन का अंग वस्त्र, जो भी इसको पहनने के लायक होगा वो बनेगा सुपर हीरो। इसका मतलब अगर मैं इसे पहनूंगा तो बन जाऊंगा सुपर हीरो डॉग। अरे कुछ नहीं तो कम से कम चूहे मारने के काम में तो आऊंगा। यस, हे, ओह यस 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 यस, ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो डर लग रहा है। लगता है बिल्ली मैन का जैकेट इसी के अंदर है। अब तो मुझे सुपर हीरो बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। खुल जा, खुल जा, खुल जा, सिम सिम। अरे खुलना दूर, ये तो हिल भी नहीं रहा। अरे डॉगी डॉन, ज्यादा उछल कूद मत कर वरना धरती हिल जाएगी। लो हिल गए, अब क्या होगा? किसी ने सच कहा है, कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लो, नॉर्थ पोल से गिरा और साउथ पोल से बाहर निकला। अच्छा है, मुझे भैया और घर की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मैं घर कब पहुंचूंगा। भाई, बिना डॉगी ब्रदर्स के यहाँ बहुत मजा आ रहा है, तो इसी खुशी में थोड़ा पॉपकॉर्न हो जाओ। आए लंबू, तुझे पता है ये पॉपकॉर्न इतना ज्यादा क्यों उछलते हैं? मुझे पता नहीं, तू बता। एक बार गर्म तवे पे बैठ के देख, फिर पता चल जाएगा। अभी तुझे बिना बताए, क्योंकि उसकी लॉटरी जो लगी थी। भाई भाई ना रहा, मेरा तो विश्वास से विश्वास उठ गया रे। अरे मुन्ना, मैं तो तुझे हीरा समझता था, लेकिन तू तो कोयला निकला रे, कोयला। चूहा पानी से ना बहुत लंबू, देख तो इस वक्त कौन हो गया। अरे ये तो मुन्ना है, छोटे मुन्ना क्या गया तू? ओए, लेकिन तू खाली हाथ कैसे आया? अरे अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं लाया तू? हाँ, क्या
क्या बात कर रहे हो भैया, कौन सी छुट्टी, कैसी छुट्टी, बताओ ना भैया कहाँ की छुट्टी। जान के अनजान मत बन, अरे हॉलीडे मनाकर भी तेरा मन नहीं भरा। कैसा हॉलीडे भैया, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में था ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सीधी तरह बता, लॉटरी के बाकी पैसे कहाँ है? तू जानता है ना मेरा हाथ 2.5 किलो का है। भैया लगता है चूहों ने आपको उल्लू बनाया, जब मैंने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी ही नहीं तो लगेगी कैसे। तुम हम दोनों भाइयों के बीच दरार डालना चाहते हो, अभी करता हूँ तुम्हारी छुट्टी। लेकिन मुन्ना इतने दिन तू था कहाँ? भैया मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। भैया मैं घूमते घूमते धरती के बीचों बीच चला गया, वहाँ मुझे बिल्ली मैन के सुपर जैकेट के बारे में पता चला। अगर वो जैकेट मुझे मिल जाता तो मैं सुपर हीरो बन के इन चूहों की हमेशा के लिए छुट्टी कर देता। ये सब सिर्फ फिल्मों में ही होता है। मैं सच कह रहा हूँ भैया, मेरे साथ जैकेट लाने चलिए ना मेरे साथ। एक बार मैंने कह दिया ना तो ना, तो फिर चलो ना। भैया यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मैं यहीं आकर गिरा था और सीधे धरती के बीचों बीच चला गया। चलिए भैया एक बार फिर से ट्राई करें। अरे जो भी करना है जल्दी कर, यहाँ इतनी बदबू है कि ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाऊंगा। खड़े नहीं हो सकते तो आप आराम से बैठ जाइए। मैं 2 मिनट में गया और 5 मिनट में आया। पता नहीं इस पर किस सुपर हीरो का भूत सवार है, वैसे इतना सारा कचरा तो डालेगा किधर। अरे मुझे तो धरती के नीचे जा रहा था, ऊपर कौन लेके जा रहा है। अरे मैंने सिर्फ पूछा था कि कचरा कहाँ डालेगा, तूने तो मुझ पर ही डाल दिया। ये मैं क्या देख रहा हूँ, चल जाकर पूछते हैं। न्यू बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, भैया इसे हमें जल्दी रोकना होगा वरना मैं उस सुपर जैकेट तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। सर आप ये काम रोक दीजिए, ये काम मत कीजिए सर। अरे ये बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि मुझे कल तक काम खत्म करना ही पड़ेगा। वो देखो मैंने रेडीमेड बिल्डिंग्स भी मंगवा ली। रेडीमेड कपड़े तो सुना था लेकिन रेडीमेड बिल्डिंग्स पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा है, मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। मेरे
देखा मुन्ना, आ गए चूहे पहाड़ के नीचे। लंबो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे भी जाना पड़ता है। अरे बाबा, जाता हूँ भाई। ये लो, हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। भैया आपने तो कहा था कि वर्ल्ड टूर करवाएंगे, लेकिन चूहों ने उस पर पानी फेर दिया। रो मत मुन्ना, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। हाँ भैया, और जो आप नहीं बोलते उसे चूहे करके निकल जाते हैं। लेकिन जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अरे मुन्ना, तो मुझे जानता नहीं, मैं अच्छी तरह सर्फिंग भी कर लेता हूँ। वाह भैया, मैं तो इंटरनेट पर सर्फिंग करता हूँ, लेकिन आप तो पानी में भी सर्फिंग कर लेते हैं। अरे चूहे तो यहाँ है ही नहीं। भैया चूहे हमें फिर से बुद्धू बना गए। डॉगी ब्रदर्स बाय बाय, जरा मुड़ के देख, तुम बच गए तो फिर कभी मत मिलना। ओए मुन्ना, बिना नाव के नदी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भैया बचाओ। वाह मुन्ना, बाल बाल बच गए। पता नहीं यह मुसीबत का पहाड़ किस किस को लेकर डूबेगा। ओए, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, अब तो ऊपर वाला ही हमें बचा सकता है। भैया वो देखो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हेल्प 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 हेल्प। चलो भैया, इस शिप के साथ थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं। अरे मुन्ना, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चल आगे देखते हैं। अरे डॉगी ब्रदर्स, इस शेप को देखकर लगता है दाल में कुछ काला है, जरा संभल कर। देखो भैया, यहाँ तो हर चीज पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है, जरूर कोई राज छुपा होगा यहाँ। सीक्रेट यही छुपा होगा। नहीं भैया, वहां मत जाओ, तो यही रुक, मैं जाके देखता हूँ। टाइम मशीन रूम। भैया अब ये टाइम मशीन क्या है? तू बस मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं तुझे सब समझाता हूँ। मुन्ना, टाइम मशीन के जरिए हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। भैया ये टाइम मशीन देख के याद आया, कल मेरी घड़ी घूम गई, आपने देखी क्या? ओए बंद थी या चल रही थी? भैया घड़ी तो चल रही थी। तो फिर अब तक तो बहुत दूर चली गई होगी। तो ये है टाइम मशीन चेम्बर, जल्दी चल अपना भविष्य देखते हैं। पेटियां बांध ले। अरे मैं पहले से ही पेट पर पेटी बांध कर आया हूँ। भैया ये पैंट की पेटी नहीं है, सीट बेल्ट की बात कर रहा है, जल्दी से इसे बांध लो। अब तुम दोनों ये बताओ कि तुम लोग कौन सी सदी में जाना चाहते हो? ओए मेरे पापा अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे, मैं 1857 में जाकर अंग्रेजों को अकेले ही धूल चटाऊंगा। नहीं भैया, धूल से मुझे एलर्जी है। हम 90s में चलते हैं, खेतों में गाने गाएंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे। ये एंटरटेनमेंट का वक्त नहीं है, ये वक्त है कुछ कल गुजरने का। ठीक है, तो फिर जो भी करना है मुझे करने दीजिए। अरे डॉगी ब्रदर्स, ये टाइम मशीन है, अगर ये खराब हो गई ना तो तुम्हारा बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। लो शुरू हो गया। Thank you.
मशीन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी ब्रेक लगाता हूँ। अरे डॉगी डॉन, तूने ब्रेक नहीं एक्सलेटर दबा दिया है। अब पता नहीं ये कहाँ जाके रुकेगी। हमेशा सही टाइम पे गलत काम करने वाले, पता नहीं अब कौन से टाइम में जाकर रुकेंगे। चलो फिर भी देखते हैं। भैया उठो, देखो हम कैसी माया नगरी में आ गए हैं। आ चल चल चल। ये माया नगरी नहीं फ्यूचर सिटी है। देखते हैं कि यहाँ तुम्हारा फ्यूचर कैसा है। यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखकर लगता है कि हम कम से कम 100-200 साल फ्यूचर में आ गए हैं। भैया हम आए तो अपने ही शहर में है ना, और हमारा घर कहाँ है? अरे इतनी ऊंची बिल्डिंग, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अरे बिल्डिंग छोड़, ऊपर देख, यहाँ तो हाथी भी उड़ रहा है। भैया अब ये कौन है? अरे इसका बायोडाटा बाद में जानेंगे, पहले थोड़ी सी जान पहचान बढ़ाते हैं। अरे लेकिन हम अनजान लोगों से मुंह नहीं लगते। ओ नहीं तो कम से कम गले लग जाओ, पर हमें जाने दो। भैया अभी पीछे हटने में ही भलाई है। अरे मुन्ना तो पीछे हट जा, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन भैया अगर आप उसे संभालेंगे तो फिर मुझे कौन संभालेगा? ओह नो! वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लगता है ये मुलाकात के लिए तैयार नहीं, अब मुक्का लात ही करना होगा। देखा मुन्ना तूने, यहाँ ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं और ट्रैफिक पुलिस भी नहीं, फिर भी गाड़ियाँ ठीक ठाक चल रही है। हाँ भैया, और यहाँ की तो हर चीज हवा में उड़ रही है। अरे वो देख, मैंने हवा महल सुना था, यहाँ तो बस स्टॉप भी हवा में है। हवा में स्कूटर चलाने का मजा ही कुछ और है। ओए मुन्ना, पता नहीं ये ट्रेन हमें कहाँ ले जाएगी। भैया मुझे तो लगता है ये ट्रेन हमें सीधा ऊपर पहुँचा देगी। तो भी ठीक है, हम एक स्टॉप पहले उतर जाएंगे। सुना था जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, यहाँ बिल्कुल उल्टा है। जहाँ मुसीबत होती है वही डॉगी ब्रदर्स होते हैं। अच्छा है। भैया ये जगह तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, आखिर हम किस सदी में पहुंच गए मुन्ना। एक मिनट भैया,
मैं अपने माई फोन से पता लगाता हूँ। ओहो, इसको सिग्नल ही नहीं है। अरे मोबाइल पर सिग्नल नहीं, हाथ में कैलेंडर नहीं, फिर हमें पता कैसे चलेगा? अरे इतनी सी बात के लिए कैलेंडर लेके घूमने की क्या जरूरत है यार? आज के जमाने में तो पॉकेट में रॉकेट भी रखा जा सकता है। क्यों, आजकल रॉकेट छोटे हो गए हैं क्या? ए कल के दुश्मन, रॉकेट छोटा नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी बड़ी हो गई है यार। ये देख, ये है साल 2222। वाह भैया, कमाल हो गया, टाइम मशीन ने हमें फ्यूचर में पहुंचा दिया। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है? यह है गाय फोन, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। ये गाय फोन क्या है? जैसे तुम्हारे लिए माई फोन, वैसे हम गायों के लिए गाय फोन। सिंपल यार। ओह, ये तो खतरे का सायरन है यार। क्या, डॉग्स इन द सिटी? अब यहाँ डॉग्स कैसे आ गए? जरा चेक करता हूँ। अरे तुम तो डॉगीज हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए हो सकती है यार। कम ऑन, चलो अंदर। ए मिस्टर गाय, हमें बांध कर कहाँ लेके जा रहे हो? हमें बाहर आने दो प्लीज। अरे तुम खुलेआम कैसे घूम रहे थे? ये तो यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। रूल्स? अरे तुम किस रूल्स की बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं, रूल्स यह है कि इस शहर में डॉगीज और कैट्स का आना मना है यार। क्या कहा, यहाँ डॉगीज और कैट्स का आना मना है? अच्छा एक बात बताओ, किसी को यहाँ डॉगी और कैट से एलर्जी है क्या? अरे एलर्जी वेलर्जी कुछ नहीं है यार, बस यहाँ के राजा ने ये रूल बनाया है। राजा? अरे कौन है तुम्हारा राजा? ऐसे नियम बनाने से पहले उसे कम से कम हमसे पूछ लेना चाहिए था। तुम दोनों को जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि हमारे राजा के सामने तुम्हारी बोलती एकदम बंद हो जाएगी यार। आखिर तुम्हारा राजा है कौन? एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हो यार? सच में हमारे राजा और यहाँ के रूल्स के बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या? एक जमाने में यहाँ क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ के राजा ने कुछ डॉगीज और कैट्स को बंदी बना लिया और कईयों को तो यहाँ से बाहर निकाल दिया, और तब से डॉगीज और कैट्स को फ्यूचर सिटी में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। कम ऑन, अब तो समझ जाओ ना यार। लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? नो। लगता है तुम्हारे यहाँ होने की खबर पुलिस को मिल चुकी है। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ के रूल्स के मुताबिक तुम यहाँ पे आजाद नहीं घूम सकते। ओए मैं फौजी हूँ और पुलिस हमारी दोस्त है, तो डर मत मुन्ना, मैं हूँ ना। अरे ये फ्यूचर रोबोट पुलिस है, इस जमाने में ना तो कोई फौजी है और ना ही कोई फर्जी, ओनली रोबोट पुलिस। आई सैल्यूट यू सर। अरे ये कोई डांस शो नहीं है, जो तुम ग्रैंड सैल्यूट मार रहे हो। फिकर नॉट भैया, सर सलामत तो पकड़ी हजार, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहता, यहाँ से भागने में ही भलाई है यार। मुश्किल वक्त में हर कोई साथ छोड़ देता है, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे जिसने कभी साइकिल तक नहीं चलाई, आज फ्यूचर सिटी में रिक्शा उड़ाने की कोशिश कर रहा है। ऑल द बेस्ट डॉगी डॉन, ऑल द बेस्ट। अरे तो रिक्शा उड़ा रहा है कि गिर। भैया यहाँ सोने के लिए आए हो क्या? जल्दी कुछ करो। यस कैप्टन। आपकी ये सेलेक्ट मारने की आदत कब जाएगी भैया?
अरे मुन्ना, फ्लाइंग मार्केट में क्यों लेकर आया है? यहाँ तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अरे मुझे धूल से एलर्जी है, ऊपर से हवा में हल्दी मिर्ची किसने मिला दी? ये तो पूरी बॉडी पर मिर्ची उड़ाकर चले गए। दोस्तों, खुद को रिफ्रेश कर लो और हमले के लिए तैयार हो जा। भैया, आगे धोबी घाट है, हम वहाँ छुप सकते हैं। ओए, ये हुई ना बात। अरे डॉगी ब्रदर्स, हैरान क्यों हो रहे हो? यह फ्यूचर सिटी है, यहाँ की हर चीज हवा में उड़ती हुई दिखेगी। भैया, लगता है हम गलती से गलत जगह पर आ गए। तेरी आँखें है यह बटन, तुझे लाइसेंस किसने दिया रे? अरे किसी ने भी दिया हो, आपको उससे क्या? चुप हो जाओ ना भैया। बहुत हो गया, अब कंट्रोल मेरे हाथ में दे। भैया जल्दी करो, वो पास आ गए हैं। तो फिर ये ले। ओए मैं यहाँ संभालता हूँ, तू पीछे जाके उन्हें संभाल। इस टाउन को पकड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। पहले छट्टी पहनना सीख लो, फिर हमारा पीछा करो। यस। स्पीड बढ़ाओ भैया, वो फिर से आ गए हैं। लगता है डॉगी ब्रदर्स फ्यूचर सिटी का फ्यूचर बिगाड़ देंगे, ये अच्छा नहीं है। लो, जान बची 100 लाखों पाए, लौट के डॉगी ब्रदर्स घर को आए। हैंड्स अप। भैया, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? काश मुझे वो सुपर हीरो का जैकेट मिल गया होता तो अब तक मैं सुपर हीरो बन गया होता। अरे मुन्ना, ये जैकेट जैकेट क्या लगा रखा है? हीरो बनने के लिए जैकेट नहीं, जिगर चाहिए, जिगर। और तू रो मत, हम यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कैसे भैया? ओए, दुनिया में ऐसी कोई भी हथकड़ी नहीं बनी जो इस कर्नल को बांध कर रख सके। ये देख। ओए नो, पापा मम्मी मुझे बचाओ। जोर का झटका जोर से लगो। भैया आप ठीक तो है ना? अरे बचाओ, कोई मेरे भैया को बचाओ। दरवाजा खोलो, खोलो ना। इस शहर ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, पता नहीं कब तक मुझे ऐसे छुप छुप के जीना पड़ेगा। बचाओ, कोई हमें बचाओ। अरे ये कैसी आवाज? अरे ये तो डॉगीज की आवाज है, कहीं ये वही डॉगीज तो नहीं जो मुझे बिल्ली मैन की जैकेट तक पहुंचाएंगे? एकदम है तो हाथ खड़ी खोलो, फिर दिखाता हूं तुम्हें 10 कदम।
आई बला को टाल दू। ओ ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। सर थैंक यू, लेकिन अब है कौन? लो कर लो मुझसे मुलाकात, मेरा नाम है कुंफू कैट बटुकना। अरे देखते हो मोटे, और नाम है बटुक। मेरा छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ कर्नल और ये है डॉगी डॉन। अपनी अकल लड़ाओ, मेरे नाम पर मत जाओ, मेरे सिवा यहाँ तुम्हें बचाने वाला और कोई नहीं है। और ये कैसा डॉन हुआ? कहाँ का डॉन, ये तो पॉपकॉर्न से भी छोटा है। इसे पहन लो जल्दी, इससे पहले कि राजा के सिपाही यहाँ आ जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। आखिर ये राजा है कौन? वो लगता है वो लोग आ गए। ये लो जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। चलो मेरे साथ आओ। ऊपर आ जाओ। तूने उससे पूछा ये जेट पैक खुलता कैसे है? नहीं भैया, मैंने नहीं पूछा। इस बटन को दबाकर देखता हूँ। सर मैं भी इसे दबाकर देखूं तो? ये बटुकनत कहाँ रह गया? अरे तू फिक्र मत कर, वो हमें ढूंढ लेगा। पहले हम अपना घर ढूंढते हैं। वो देख, वो रहा हमारा घर। भैया ये हमारा ही घर है ना, इसकी ऐसी हालत किसने की? चल चल कर देखते हैं। अरे यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? यहाँ क्या हुआ होगा? देखकर तो यही लगता है कि काफी सालों से यहाँ पे कोई नहीं रहता। आखिर यहाँ हुआ क्या था? अरे चूहों का स्टैचू किसने बना दिया? भैया लगता है चूहे हमसे नाराज होकर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए होंगे और हमने उनकी याद में स्टैचू बना दिया होगा। और यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ भैया। बिना परमिशन हमारे राजा के घर में घुसने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे डर मत मुन्ना, मुझे पूरा विश्वास है कि बटुकनत यहाँ आके हमें बचा लेगा।
हो गया, अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं निकल पाएंगे, मैं हूँ ना। अरे कर्नल, ये सलाखें लोहे की नहीं लेजर्स की बनी है। अरे बटुकनाथ, तुम जेल में क्यों आए हो? क्योंकि मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। लेकिन हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? वो बिल्ली पुराण में लिखा है। ये बिल्ली पुराण क्या है? अभी बताता हूँ। ये देखो, बिल्ली पुराण के अनुसार चूहों के जुल्म से बचने के लिए दो डॉगीज मुझसे मदद मांगते हैं, और वही डॉगीज मुझे बिल्ली मैन का जैकेट हासिल करने में मेरी मदद करते हैं। जैकेट जहाँ रखा हुआ है उसके ताले की चाबी मेरे पास है। जब वो जैकेट मुझे मिल जाएगा तब मैं सुपर हीरो बन के डॉगीज को चूहों से बचाऊंगा और चूहों का रावण राज खत्म कर दूंगा। कहीं ये वही जैकेट तो नहीं? तुम दोनों से मिलने तक मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन ये सच निकला। बताओ कहाँ है वो जैकेट, मुझे दे दो। लेकिन वो हमारे पास नहीं है। क्या मतलब नहीं है, तो फिर है कहाँ वो जैकेट? मुझे पता है कहाँ है वो जैकेट, वहाँ तक तो मैं गया भी था, लेकिन वो तो मैंने साल 2014 में देखी थी। तो मुझे वहाँ ले चलो, चाहे कुछ भी हो जाए वो जैकेट मुझे चाहिए। एक बार जैकेट मिलने के बाद मैं उन चूहों को और उनके अन्याय को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। चलो मेरे साथ। वो रहा बाहर निकलने का रास्ता। मुन्ना हम ही निकलते हैं। ओए पापा, यहाँ मैं जैसा करता हूँ तुम भी वैसा ही करो। चलो जल्दी करो। भैया मुझे तो डर लग रहा है। अरे जब कर्नल है साथ तो डरने की क्या बात। अब घर पर जाके खाओ दाल भात, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। बटुकनाथ अब ये बताओ कि आगे का प्लान क्या है। हम फिर से टाइम मशीन के जरिए 2014 में जाएंगे और बिल्ली मैन का जैकेट लेकर चूहों को मजा चखाएंगे। अगर ऐसी बात है तो इस लड़ाई में हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें टाइम मशीन तक ले जाएंगे। ये हुई ना बात। तो यहाँ है वो टाइम मशीन जिससे तुम फ्यूचर में आए। हाँ, अब घर जाने का वक्त है। सबसे पहले ईयर सेट कर लेता हूँ। अरे डॉगी ब्रदर्स, हम सही साल और सही जगह पर पहुंचे हैं ना? आगे चलेंगे तो पता चल ही जाएगा। अब हम बिना बोट घर कैसे जाएं? एक मिनट भैया, मैं अभी आता हूँ। फ्यूचर सिटी साया।
पटुकनाथ, क्या चूहा क्या अन्याय है, डॉगीज को ये बचा पाएगा? चलो आगे देखते हैं। चुपचाप मेरे पीछे चलो। पटुकनाथ आ जाओ, देखते हैं चूहे हमारी गैर हाजिरी में क्या कर रहे हैं। घर पर इतना सारा खाना ऐसे ही पड़ा है, डॉगी ब्रदर्स होते तो हम सब साथ मिलकर खाते, अब तो मुझे अकेले ही खाना पड़ रहा है। भाई मुझे डॉगी ब्रदर्स की बहुत याद आ रही है। मोटू मेरे दोस्त, मैं भी तुझे बहुत मिस कर रहा था। अरे मुंडा तू भूल गया क्या, चूहे हमारे दुश्मन है। हम तो नहीं भूले, हम अभी तुम्हें दुश्मनी याद दिलाते हैं। सालों बाद डॉगी ब्रदर्स को परेशान करके कितना मजा आ रहा है। चूहा पार्टी जिंदाबाद। ये नया मेहमान कौन है रे बाबा? जो भी हो, स्वागत धमाकेदार होना चाहिए। Don't angry at me. भाई ये तो खतरनाक लग रहा है। मेरी बिल्ली मुझे समय आओ। लगता है बटुकनाथ ने चूहों को रास्ता दिखा दिया। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अरे ये तो बिना हवा का टायर बन गया, अभी इसमें हवा भर देते हैं। ये चूहे तो बड़े होशियार हैं, इन्हें मजा चखाना है तो मुझे जल्दी बिल्ली मैन का जैकेट हासिल करना होगा। तो यही वो जगह है? हाँ जगह तो यही है, लेकिन नीचे जाने का रास्ता शायद बंद हो गया है। बंद हो गया तो मैं खोल दूंगा, टेंशन मत ले। ये लोग क्या कर रहे हैं? लगता है हमसे बचने के लिए चांदनी चौक टू चाइना का रास्ता बना रहे हैं रे बाबा। अरे डॉगी डॉन, ये सब क्या चल रहा है? हम धरती के बीचों बीच जाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। गड्ढा खोदने में तो एक्सपर्ट हम हैं, हमारी मदद चाहिए। दुश्मनों को हमारा सीक्रेट क्यों बता रहे हो? डॉगी डॉन ये कौन है, तुम्हारा दोस्त है क्या? हम डॉगी ब्रदर्स के दुश्मन नहीं, दोस्त है। अरे हम तो यूं ही मस्ती में लड़ते रहते हैं। ये बात है। हाँ तो फिर छोटू तुम हमारी मदद कैसे करोगे? एक मिनट, मेरे खतरों के खिलाड़ी शुरू हो जा। समझो हो गया भाई। अभी देखो इस खिलाड़ी का कमाल। क्यों मजा आया ना? अब मेरा सुपर हीरो बनने का सपना पूरा होने वाला है। ये चूहे तो कुछ ज्यादा ही होशियार हैं। कहाँ है जैकेट, कहाँ है वो जैकेट? भैया इसी में है वो जैकेट। टॉम
भी डॉन रास्ते से हट जा, ये जैकेट सिर्फ मेरा है। ये जैकेट मुझे चाहिए, मुझे भी सुपर हीरो बनना है। अरे आप दोनों इस जैकेट के लिए क्यों लड़ रहे हो? चाहे तो इसे मैं रख लेता हूँ, लेकिन पहले इसे खोल तो दूं। ये बिल्ली पुराण में लिखा है इस पर सिर्फ बिल्लियों का हक है। भैया देखो ना, जरा वहाँ देखो। मैंने बताया था ना, इसे सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ, इसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है। मैं क्या यहाँ पकौड़े तलने आया हूँ? ये मेरा है, इस जैकेट को पहले मैंने ढूंढा है। मैं हूँ बिल्ली मैन, उड़ा दूंगा सबका चैन। ये जैकेट पहनते ही तुम अपना नाम क्यों भूल गए? अरे तुम तो बटुकनाथ हो। ये मेरा सुपर हीरो नाम है, बिल्ली मैन। हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास सुपर पावर है? अभी बताता हूँ बिल्ली मैन क्या क्या कर सकता है। चलो अंदर आ जाओ।
बिल्ली मैन से हम सबको खतरा हो सकता है। वो हमारे गले की हड्डी बन गया है। बिल्ली मैन फ्यूचर से आया है, हमें और इस दुनिया को तुम्हारी हुकूमत से बचाने आया है। लगता है बिल्ली मैन ने तुम पर कोई जादू कर दिया है। जल्दी ही उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी रे बाबा। हाँ जादू कर दिया है, अरे हम काम की बात कभी नहीं सुनते। तुमको जो भी बोलना है बिल्ली मैन को जाके बोलना, ओके? ए छोटू, तुम्हारे खराब और हमारे अच्छे दिन शुरू। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। लगता है समय आ गया है, को ठिकाने लगाना होगा। मैं हूँ बिल्ली मैन, उड़ा दूंगा सबका चैन। ये खाने की खुशबू मुझे बुला रही है, मैं आ रहा हूँ। अरे ये आधी रात को मोटू कहाँ गायब हो गया? आए जल्दी उठो, मोटू गायब हो गया है। अरे लंबू, मोटू तो खतरे में है। तो ये खतरों का खिलाड़ी कब काम आएगा? बनाया, बड़ा मजा आया। अब मुझे दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। रामलाल, श्यामलाल, दिखा दो अपना कमाल। मैं इन चूहों का चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। ठीक है सर, हम मास्क लगा के आ जाते हैं, चलेगा ना सर? बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। हम तुम्हें इसी जगह भेजेंगे जहाँ जबान तो क्या तुम्हारी सांस भी नहीं चलेगी। जाओ स्पेस में जाके अपना घर बसा, खुश रहो। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अपने घर वापस जाना है। लगता है ये एयरशिप इसी से चलता होगा। अरे छोटू, इससे तो टाइम बम चलता है। जान प्यारी है तो जल्दी भागो। ए लंबो मोटो, ये एयरशिप कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। चुप हो जा रे मोटू। अरे यहाँ हमारी जान दांव पर लगी है और तुझे खाने की पड़ी है। भूकंप कहाँ से आया? बिल्ली मैन, बिल्ली मैन भी अपने कमरे में नहीं है। कोई मुझे बताएगा ये सब हो क्या रहा है? सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा के आज्ञा का पालन करें। जो ऐसा नहीं करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बिल्लियों को छोड़कर सभी जानवरों को ये हुक्म दिया जाता है कि वो बिल्ली मैन के गुलाम है और हमेशा बिल्ली मैन के कैदी बनकर रहेंगे। आखिर हमें किस जुर्म की सजा दे रहा है भाई? आखिर कब तक हमें ये सब सहना पड़ेगा जानी? कल तक गली में छुप छुप कर घूमने वाला आज पूरे शहर का राजा बन गया है। पता नहीं अब क्या होगा। बचाओ, कोई ना हमें बचाओ। तू तो धोखे बास निकला रे। भाई जल्दी कुछ करो वरना बिल्ली मैन हमारा कीमा बना देगा। एक मिनट, डॉगी ब्रदर्स हमारे दोस्त हैं। उस पागल बिल्ली मैन को सबक सिखाने के लिए हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? वो देखो, वो वैन हमें डॉगी ब्रदर्स तक ले जाएगी। भैया आपने तो कहा था कि बिल्ली मैन हमारी मदद करेगा, लेकिन उसने तो हमें चाय में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया।
डॉगी ब्रदर्स, तुम ये कैसे भूल गए कि सपना सपना होता है और अपना अपना होता है। ओए छोटू मेरे भाई, तेरी आवाज कहाँ से आई? कल बिल्ली मैन का बर्थडे है, जो उसका आखिरी बर्थडे होगा। वो कैसे? जब बिल्ली मैन अपना बर्थडे बनाएगा तो हम किसी भी तरह उसका जैकेट फोड़ देंगे। और जब जैकेट फट जाएगा तो वो बटुकनाथ बन जाएगा, तो हो गया ना बिल्ली मैन का आखिरी बर्थडे। जल्दी से रोबोट सूट पहन लो, हमें जल्दी महल में पहुंचना होगा। हम यहाँ पहुंच गए हैं, आगे का प्लान क्या है छोटू? तुम्हें किसी भी हाल में बिल्ली मैन के नजदीक जाके उसका जैकेट डिस्ट्रॉय करना होगा। मेरी प्यारी बिल्लियों, अब वक्त आ गया है हमारी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस पाने का। एनिमल्स का राजा शेर, चीता सब हमारे परिवार से है। डॉगीज का राज मिटाकर हम इंसानों के दोस्त बन सकते हैं और बिल्लियों का राज कायम कर सकते हैं। मैं हूँ बिल्ली मैन, उड़ा दूंगा सबका चैन। बिल्ली मैन की जय हो, बिल्ली मैन की जय हो। ना हमें भी झुकना होगा, नहीं तो पकड़े जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और सबको इसका सबक मिलेगा। गार्ड्स, इन्हें यहाँ से ले जाओ। जैसे आपके आज्ञा। ऑटो लंबो, हमें डॉगी ब्रदर्स को बचाना होगा, जल्दी चलो। हमें पूरे शहर को इसके बारे में बताना होगा, आखिर ये लड़ाई सबकी है। क्या चाहिए तुम्हें? बिल्ली मैन ने हमारे दोस्त को कैद कर लिया है, उन्हें छुड़ाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं, हम कोई मुश्किल में फंसना नहीं चाहते। हमारे दोस्तों की जान खतरे में है, प्लीज उन्हें बचाने में हमारी मदद करो। अहे लंबो, इससे तेरी आवाज हर घर में पहुंचेगी। सुने दोस्तों, हम सब की जान उस बिल्ली मैन की वजह से खतरे में है, हमें उसे रोकना होगा, हमें हमारा शहर बचाना होगा। प्लीज इस लड़ाई में हमारा साथ दो, हम सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। हमारा साथ देने के लिए थैंक यू दोस्तों, हमें इस अन्याय के खिलाफ मिलकर मुकाबला करना चाहिए। दर्जी मेरे दोस्त, मुझे तेरी मदद चाहिए। कैसी मदद? बचाओ, बिल्ली मैन ने हमारे शहर पर कब्जा कर लिया है, हमें उसे रोकना होगा। आते वक्त अपनी कैंची जरूर लाना। दोस्त, हमें इसी वक्त निकलना होगा, जाओ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम तो गए काम से। ओए, हम हार जाइए हो नहीं सकता, और तुम जीत जाओ ये हम होने नहीं देंगे। बोला तो कौन बोला? दूध का दांत गिरे नहीं, चलाए हमसे पंगा लेने। दांत नहीं, तेरे लिए मेरी डकार ही काफी है। टाइम है तो आ गया। अब मैं नहीं, मेरे बंदूक तुमसे बात करेंगे। हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। बहुत हो गया, तुमने क्या सोचा हमें हरा दोगे? हमें कोई नहीं रोक सकता। जो हो, तुम्हारे दोस्तों से पहले तुम्हें खत्म कर देता हूँ। तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम हम पर हुक्म नहीं चला सकते। और हम अकेले नहीं है, हमारे साथ सारा शहर है। तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी, तुम हुकूमत से नहीं रह सकते। खत्म कर दो सबको। हमारे इंडिया में हार उसे डरेगी, अब यहाँ से। तुम शेर है तो हम सवा शेर है बाबू। आप तुम देखो चूड़ा थपला का ताकत।
लग कर सुन गाजर का, तुम लोग को छोड़ेगा ले रे। याली रे याली आता तुम चिपारी याली। ओए अब तुम्हारी खार नहीं हुए।